दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ मिले सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत ने 18वीं एशियन गेम्स में अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 18वीं एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन अब तक मिला जुला रहा है। दोस्तों, भारत के प्लेयर ने इस एशियन गेम्स में अब तक 6 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल जबकि 14 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से 18वीं एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में जीता था। दोस्तों, बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और भारत का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, रेसलिंग में बजरंग पूनिया के अलावा विनेश फोगाट ने भी गोल्ड मेडल जीता और वह पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, विनेश फोगाट ने 50 किलो वर्ग में ये गोल्ड मेडल जीता। शूटिंग की बात करें तो वहाँ भी हमें 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। दोस्तों, पहला गोल्ड मेडल 10 मीटर पिस्टल में सौरभ ने जीता जबकि महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल में राही ने जीता। टेनिस की बात करें तो वहाँ भी हमें 1 गोल्ड मेडल मिला है। दोस्तों, रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर ने मेंस डबल में ये गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, रोविंग में भी हमें एक टीम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। दोस्तों, आई थिंक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या कहना है टीम इंडिया के बारे में। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल स्पोर्ट्स के ताकि आपको स्पोर्ट्स के फैक्ट और न्यूज़ मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।